Assalamu alaikum, welcome back to my channel Spice of My Life. I hope कहीं कोई तो मेरी वीडियो का इंतज़ार कर ही रहा होगा. मैं भी बहुत आप सबको मिस कर रही थी. दो तीन दिन गुजर गए थे, काफ़ी कुछ चल रहा है, कुछ मसरूफियात हैं, बट आई ऑलवेज टेक आउट टाइम टू मेक वीडियोज़ फॉर यू गाइज. आई होप यू गाइज़ आर एंजॉइंग माई वीडियोज़. आज हम बहुत ही मज़ा करने वाले हैं. वी आर डूइंग द बेस्ट थिंग आई वांट टू डू इज़ बारबेक्यू. जी हाँ, और मैं यहाँ चटनी बनाने लगी थी तो मैंने कहा ओ माई गॉड, पुदीना तो लाना पड़ेगा. लेकिन मैंने यहाँ बाहर बैकयार्ड में अपने बहुत सारा पुदीना उगाया हुआ है. ज़्यादातर ऐसे काम मेरे अब्बू आके करते हैं, तो पुदीना उन्होंने यहाँ पे लगाया है. और अब यहाँ पर मैं दो टमाटर और एक लहसुन और हरी मिर्चें दो तीन उनको मैंने आग पे जो है पका लिया है, थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है. और फिर उसमें मैंने ज़ीरा, नींबू का रस, नमक और लेमन जूस डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है. और बाहर बारबेक्यू की तैयारियों को अली अज़हर खूब इन्जॉय कर रहे हैं. वेदर जो है बहुत ही अच्छा हो रहा है, लेकिन थोड़ी आज गर्मी ज़्यादा है. पेंडेमिक में लाइफ इतनी बोरिंग हो गई है, एंड देर आर सो लिमिटेड ऑप्शंस यू कैन डू टू यू नो हैव फन. घर में बंद यू नो रह रह के बंदा थक जाता है, तो इसी में कुछ ना कुछ प्लान करती रहती हूँ ताकि बच्चों के लिए भी थोड़ी सी इन्जॉयमेंट हो जाए और हमारे लिए भी. तो बस यही छोटी मोटी चीज़ें हैं लाइफ में, जो भी है उसको लेकर आप जो है खुश रहें और ये ना सोचें कि क्या नहीं है, जो है उसको इन्जॉय करें. और हालात तो कभी भी आपके उम्मीदों के मुताबिक नहीं होते हैं, तो अगर इंसान गो विद द फ्लो यू नो करने लग जाए तो लाइफ इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट थिंग यू कैन एवर हैव इन योर लाइफ. और बस खुश रहें और इन्जॉय करें और कुछ ना कुछ सोचते रहा करें, कुछ ना कुछ प्लान करते रहा करें कि हाउ कैन यू मेक योर लाइफ बेटर यू नो. हमने आज बहुत फ़न किया बाहर, बच्चों ने भी बहुत फ़न किया, बहुत मज़ा आया. लेकिन अभी बारबेक्यू टिक्के बनने में थोड़ा टाइम था और धूप काफ़ी ज़्यादा थी. अम्ब्रेला भी लगाई हुई थी, लेकिन आई थॉट कि फॉर किड्स इट्स रियली हॉट, तो मैंने यही सोचा कि अंदर ही बैठ के खाएंगे और आराम से खाएंगे. अंदर एसी भी चल रहा था, तो फिर हमने रैप अप कर लिया और लेट्स गो इनसाइड. और ये देखें कितने प्रोफेशनल तरीके से मैं जो यहाँ पे सीखे लगा रही हूँ. बहुत ही मज़े के तिक्के बने थे. एक पीस मैंने चर्बी का और एक जो है तिक्का बोटी का लगा रही हूँ, उसकी वजह से बहुत ही जूसी और मसाला तो बहुत ही अच्छा लगा था. चटपटे और जूसी तिक्के बने थे. बस खाने की तैयारी शुरू है. ज़ैना के लिए कुछ वेजिटेबल्स बॉईल कर रही हूँ. यहाँ पर गार्लिक नान मैंने मंगाए थे,
और बारबेक्यू के साथ तो बड़े ही अच्छे लगते हैं ना, सब बेस्ट कॉम्बिनेशन। और भाई मेरा कह रहा था सही, तुमने होटल वाले मज़े जो है आज दे दिए, तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने। खाना चटनी है, रायता है, थोड़ी सी स्लाइस्ड जिंजर है। खाने को यू नो ऐसे खाने खाते वक्त जिंजर खाया करें आप लोग, साथ बहुत हाजिम होती है। पुदीने के पत्ते हैं, तो सैलड्स भी हैं, और चिकन भी बहुत अच्छा बना था। चिकन के लिए एक टिप मैं आपको दूंगी कि जब भी आप चिकन टिक्के बनाने लगें तो पहले एक घंटे के लिए आप नमक वाले पानी में उनको भिगो दें, और फिर उसको निकाल के और फिर उसमें मसाला लगाइएगा, तो आपके टिक्के बहुत सॉफ्ट बनेंगे। टिक्के के लिए मैंने कोई ज़्यादा ऐसे मसाले नहीं, शान का तंदूरी मसाला लगाया था, कुठी लाल मिर्च, लेमन जूस, सोया सॉस, ऑलिव ऑयल, योगर्ट, दही और नमक, दैट्स इट। मसाले, एक बात कहूँ कि मसाले आप जो भी लगाएं, लेकिन आपके एक हाथ का एक मज़ा होता है और एक आपका खलूस होता है। जितने प्यार से आप बनाएंगे तो उतना अच्छा खाना बनेगा, उतने ही जो है खाने में जायका होगा, बरकत होगी। तो अच्छे मूड के साथ बनाएं, अच्छी वाइब्स के साथ बनाएं, तो एवरीथिंग विल बी गुड। आई होप कि आज की मेरी इस वीडियो को आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, और डेफिनेटली आप भी तैयारी कर रहे होंगे बारबेक्यू करने की। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।